नमस्कार मैं डॉक्टर मीनल भल में समय संवाद के इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आए हैं वर्धा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्री मडावी सर मैं आपका स्वागत करती हूँ सर सर अभी आजकल हम लोग जो करोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं तो उसका नया एक नाम आता है एन कोविड नाइन्टीन तो ये करोना वायरस और एन कोविड नाइन्टीन ये सेम है या अलग है ये नोवेल कोरोना वायरस और न्यू कोरोना वायरस एक ही है उसका नामिनिक्लेचर हो चुका है आपने सुना होगा कि पहले आ, सार्स आया था मर्स आया था ये भी आ, कोरोना वायरस के ही ये ये है वायरस ही है और अभी जो आया है नोवेल कोरोना वायरस इसको 90 दिसंबर में वहाँ से चालू गया इसलिए उसका कोविड भी बोलता है को, नोवेल कोरोना वायरस भी उसको 90 कहा जाता है जो सिम्टोम्स पहले वाले कोरोना वायरस से आते थे वो और ये जो नए कोरोना वायरस से है वो सेम है या कुछ अलग है इसमें नहीं कोरोना वायरस के सिम्टोम्स जनरली वो सेम है पहले जो सर्दी खांसी बुखार या गले में तकलीफ या बुखार की वजह से जो भी दर्द होता है या उनकी वजह से अगर इन्फेक्शन अगर अतड़ी का हो गया पेट का तो डायरिया तो सिम्टम्स सरी के ही है इस वायरस के नियर अबाउट यही सिम्टम्स सभी शास जो आया था और मस आया उसी सही है सिंपल भी यू आर आई या यूरिनरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उसके सिम्टम्स और कोरोना वायरस के सिम्टम्स में लोगों ने कैसे डिफ्रेंशिएट करना कि पे, पेशेंट को ऐसे कैसे लगेगा कि मुझे कोरोना हुआ है या सिंपल यू आर आई हुआ है तो उसके लिए लोगों ने क्या करना चाहिए कोई भी वायरस के सिम्टम्स है जो मैंने कॉमन बताया है कि वो उसको बुखार आना गले में तकलीफ आना नाक का बहना पेट में दर्द होना उसको खांसी सिंकना ये शुरू के जबी के हर प्रकार के जो भी वायरस है पिछले साल अपन ने देखा होगा पिछले चार पाँच साल में इन्फ्लुएजा के बारे में आपने सुना होगा तो इन्फ्लुएजा में वही सिम्टम्स थे सर्स ने भी वही सिम्टम्स थे सिम्टम्स नियर अबाउट वायरस के जो आते हैं वही सेम्स आते हैं लेकिन अगर आज देखा होगा आपने कि कोविड जो है नोवेल कोरोना वायरस के इनिशियली जो दिसंबर से शुरुआत हुई वुहान शहर सिटी प्रांत से चीन के वो पूरे कुछ दिन तक वो चीन के इसमें था सीमित था वुहान के इसमें और बाद में वहाँ से लोगों का माइग्रेशन हुआ आज की परिस्थिति देखा जाए तो नियर अबाउट हंड्रेड कंट्री में ये घूषा हंड्रेड सऊ देशों में ये फैल गया है और इसी वजह से डब्ल्यू एच ओ ने इसको पैंडेमिक करके डिक्लेयर कर दिया है अभी ये सिम्टम्स ये है कि जैसे सास थे मर्स से थे डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है कि ये कोरोना के है या नहीं है लेकिन अगर आपने देखा होगा कि शुरू में चीन में जितने भी केसेस थे उसके बाद के आज की परिस्थिति ऐसी है कि चीन की जितने भी पेशेंट्स है उसको कम आने होने, होने लगा है जो एक उसका फैलाव है वो फैलाव उसमें चीन में कम हो गया लेकिन साउथ देशों में से में जितने भी जहाँ से जिन 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 लोगों का संपर्क आया है उन लोगों का जिस जिस कंट्री में आया है वो सब लोगों के उसमें ये उसमें फैल जा चुका है और सिम्टम्स सेम है ये तो सर सभी पेशेंट को होगा जो जनरल इन्फ्लुएंजा होगा उनको भी तो पेशेंट ने सिविल सर्जन के पास या सिविल हॉस्पिटल में कब रिपोर्ट करना है या पेरीफेरी वाले जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं सर्दी खांसी बुखार वाले पेशेंट तो उन लोगों ने नोडल ऑफिसर को कब इन्फॉर्म करना चाहिए उन्होंने सही में देखा जाए तो आपको बताऊंगा मैंने पहले कहा कि ये सब देशों में फैला हुआ है एक बात है डब्ल्यू ने इनको पैंडेमिक करके डिक्लेयर किया है दूसरी बात है अभी ये देखा जाए कि डब्ल्यू एच ने बोलो को कोई कंट्री में देखा है कि जो अफेक्टेड कंट्री है जैसा चीन में शुरुआत हुआ तो चीन से जहाजा कंट्री में लोग बाहर गए हैं mm. वो हाई रिस्क है उनको जहाजा फिर ये हंड्रेड कंट्री में गया mm. अभी बाकी के कंट्री में देखा जाए तो जो जो कंट्री में इंडिया का भी अगर नहीं है यहाँ से यहाँ से अभी ऐसे कि अगर यहाँ से अपने पर, इंडिया से भी कोई बाहर के कंट्री में जाता तो उनका सभी जांच की जाती है और उसका अभी ये कोई भी अगर बाहर से आता है सभी हंड्रेड कंट्री में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर करने के बाद ये जो कंट्री है वहाँ से कोई भी आदमी इंडिया में आता है तो पहली उनकी जांच जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें की जाती है उसके थर्मल स्कैनिंग लगे हुए है थर्मल स्कैनिंग में अगर उनको बुखार है कोई साइन सिम्टम्स है तो वहाँ क्वारंटाइन किया जाता इसमें दो बातें हैं एक क्वारंटाइन और दूसरा आइसोलेशन क्वारंटाइन यानी जो लोग बाहर गए हैं जो अफेक्टेड एरिया में से आए हैं या जहाँ केसेस बहुत तादाद में पॉजिटिव की गई है उनको क्वारंटाइन करना गवर्नमेंट में जिस जिस एयरपोर्ट के बाद नियर अबाउट वहां से उनको चौदह दिन क्वारंटाइन करना क्वारंटाइन में चौदह दिन क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का नियर अबाउट मिड इन पाँच दिन तक मीडियम भी है लेकिन वो पाँच दिन से दस दिन तक है इसका इनक्यूबेशन पीरियड बताया गया है चौदह दिन क्वारंटाइन करने के बाद या उसके बीच में अगर कोई उनको सिम्टोम्स आते हैं जैसे आप मैंने कहा है कि सर्दी है बुखार है बदन दर्द है या और कोई आता है तो वो उसी समय वो क्वारंटाइन से आइसोलेशन में जाता है आइसोलेशन मीन्स जहाँ ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वहाँ उनकी जांच की जाती है सर थोड़ा रोकना चाहूंगी ये जो क्वारंटाइन होगा ये वॉल्टरिली पेशेंट्स करेंगे या गवर्नमेंट एयरपोर्ट पे आने के बाद उनको अलग हॉस्पिटल में रखेगी बारह तेरह तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कंपल्सेशन किया है कि जो बाहर से आएंगे उनको वही क्वारंटाइन किया जाएगा मतलब हॉस्पिटल में नहीं नहीं क्वारंटाइन ऐसी फैसिलिटीज है कि उसको हॉस्पिटल से बाहर या ऐसा प्लेस जहा लोगों से भीड़ भाड़ से दूर हो अच्छा बाकी ये फैसिलिटी गवर्नमेंट गवर्नमेंट में दे, दे, दे की की, है की। उसको की है। खुद के घर में नहीं रहना नहीं और इसके पहले जो जो लोग बाहर से आए हैं उनको होम आए, होम क्वारंटाइन करना है उसको भी होम क्वारंटाइन यानी उनको चौदह दिन तक अभी समझो एक आदि एक आदमी है समझो उसको आज के दिन में पंद्रह तारीख तक आ गया तो वो तो सीधा क्वारंटाइन में गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी तैयार की है वहां जाएगा लेकिन इसके पहले जो आ गया है या दस तारीख को आया है छह तारीख को आया तो वो छह तारीख से अभी तक जो है उसको होम क्वारंटाइन रहेगा उसको कुछ भी सिम्टोम नहीं रहेंगे नहीं। और उस पीरियड में चौदह दिन में अगर कोई उसको सिम्टोम आता है तो वो आइसोलेशन है जो आइसोलेशन सर जैसा वर्धे की बात की अपन ने तो हमने पांच जगह आइसोलेशन की व्यवस्था की है जैसे जिला रुग्णालय सावंगी है आचार्य विनोबा भावे है सेवाग्राम है वहाँ हमने बेड के साथ दिया है उसमें आइसोलेशन वार्ड करके तैयार किया है ताकि अगर वो कोई सिम्टम्स आते हैं ये सभी मैंने बताया है तो उनका थ्रोट शॉप या नेजल स्वाप लिया जाता है उसकी स्पेशल उसी समय उसका चार जो वैक्सीन कैरियर रहता है उसमें आइस बैग रहता है उसी उसकी स्पेशल लोगों से स्पेशल गाड़ी से उसको वही इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जाता है उसकी टेस्ट ट्वेंटी फोर आवर में होती है तीन बार उनको टेस्ट लगती है वहाँ नियर और वो अपने को दूसरे दिन सैंपल मिलता है और ये आइसोलेटेड अगर निगेटिव है तो फिर भी उसको अगर कोई सिम्टम नहीं तो अपन घर में उनको होम आइसोलेशन कर सकते हैं सर ये जो ट्रैकिंग ऑफिसर्स है वो खुद विजिट करते हैं एडमिटेड या आइसोलेटेड पेशेंट्स को या जो भी पर्सन है क्वारंटाइन में या फिर टेलीफोनिकली उनको ट्रैक कर सकते हैं पहले पहले सूचना ऐसी थी कि अपन अभी तक कि जो भी है आ, होम क्वारंटाइन उनको सवेरे फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फॉर्मेट डेवलप किया था कि नौ बजे उनका एक बार उनको चेकिंग होने के बाद नौ बजे उनका जायजा लिया जाए अगर उनको कुछ सिम्टम्स तो नहीं है तो बुखार तो नहीं है और चार बजे उसके लिए हमने एपिडेमिक हर डिस्ट्रिक्ट को ऑफिसर रहता है और एपिडेमिक मेडिकल ऑफिसर भी रहता है तो वो और इपिडेमोलॉजिस्ट रहते हैं ये दो लोग दो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फोन करेंगे नौ बजे और ये है तो ये करेंगे अभी कल से हमने ये लिया है कि वो घर क्योंकि लोग उसका फॉलोअप करते क्या नहीं होम आइसोलेशन है कि, कि किसी को उसकी सिवेरिटी होना चाहिए तो, तब तभी आइसोलेशन होता ये एक कोरोना वायरस है ये अपने नेबर को होगा नहीं या अपने बच्चों को या अपने जो भी फैमिली में रहता है हुँ। उनको होगा नहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है वो तो किसी को भी हो सकता है तो इसीलिए होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि वो चौदह दिन उसकी किसी को अगर उसको है तो वो पता चले और नहीं है तो किसी को तकलीफ नहीं है चौदह दिन के बाद वो अपने रूटीन काम पे जा सकता है सर एक बार ही रिपोर्ट आ, उसका पॉजिटिव आता है तो उसे हम पॉजिटिव पेशेंट बोलते हैं या रिपीट करते हैं नहीं है? नहीं एक बार अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव रिपोर्ट बोलते हैं और आपको बता दूं कि मैं इसकी ये सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड है इसकी फैटिलिटी बहुत ही कम है टू है बहुत ही जो अहमियत जो कुछ चीज़ें रखनी चाहिए या कुछ करना चाहिए किसके लिए बहुत जारी खबरदारी की जो लेना चाहिए उसके लिए मैं स्पेशली बताता हूँ कि एक का जो है जिसकी उम्र अबाव यानी जिसकी साठ के ऊपर सा, है या बच्चे और जिसको बहुत ही क्रोनिक्स डिजीज़ेस है जैसा उसी को डायबिटीज है हाइपर इम्नुनो टेंशन इम्नुनो है कॉम्प्रोमाइज बोल सकते अपन उन्होंने अहमियत बरतने की जरूरत है क्योंकि उनमें अभी जो देखा जाएगा जो स्टेटिक्स कह रही है कि ज्यादा ही जो डेट हो चुकी है वो उसकी जो हाँ। एज फैक्टर हाँ है, है। है, है है। तो सिक्सटी नाइन परसेंट जो डेथ है वो अब सिक्सटी है जनरल पब्लिक ने फैलना नहीं चाहिए कोरोना इसलिए मिनिमम प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए ये आप बता दीजिए छोटी छोटी प्रिकॉशंस है जिसको अपन उसको अपन कंट्रोल में कर कर सकते हैं नंबर वन आप तीस सेकंड तक सादे साबुन से हाथ धोइए नंबर दूसरी अगर बहुत ही जो भीड़ वाली जगह है उसमें न जाए तीसरी अगर किसी को कुछ सिम्टोम्स है सर्दी खांसी ये तो उन्होंने मास्क पहन के और जो नॉर्मल आदमी रहता है उन्होंने एक मीटर का कम से कम डिस्टेंस रखना चाहिए चौदह दिन अगर किसी को ये सिम्टम्स है तो उन्होंने खुद को आइसोलेटेड करना चाहिए किसी के भी यहाँ नहीं जाना चाहिए चौथी बात है पांचवी आखिरी कि अगर कहीं भी आप किसी को सरफेस को टच करते क्योंकि ये जो वायरसेस है ये किसी भी सरफेस पे रहते हैं अगर आते हैं तो आग, कभी भी कोई भी प्रोसीजर करने के पहले खाने के पहले खाने के बाद बाहर के आने के बाद सबसे पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए और किसी ने भी कोई भी किसी ने जब तक ये एक डॉक्टर जो जो पॉजिटिव है या उसकी ट्रीटमेंट करता है वो या हाई रिस्क है उसकी और जो पेशेंट है उसके सिवा किसी ने भी मास्क पहनने की जरूरत नहीं।, नहीं है नहीं। नहीं। और सबसे बात है कि ये नहीं होता करके ये नहीं है लेकिन ये पैनिक नहीं होना चाहिए लेकिन खबरदारी सबने लेना चाहिए और मुझे विश्वास है कि अपन इस पे अपन अमल करके अपन इस पे विजय पा सकेंगे सर सिविल हॉस्पिटल में अपनी क्वेरीज पूछने के लिए लोगों को कोई टोल फ्री नंबर या कोई मतलब मदद केंद्र है क्या एक टोल फ्री नंबर है और सभी हॉस्पिटल के जितने भी नंबर है वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी क्वेरी है वो अपन सभी जो नागरिक है वो पूछ सकते हैं धन्यवाद सर आपने आपका कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम में दिया